नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो उपदिशाएं होती है, उपदिशाएं हम सभी को मालूम है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, बाद में है साउथ ईस्ट अग्नेय कोण, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण और नॉर्थ वेस्ट जो कि वायव्य कहलाता है। तो मेन ये जो उपदिशाएं हैं, यहाँ पर हम क्या चीज़ें रखते हैं क्या नहीं रखते हैं, इसके ऊपर भी हमको वहाँ की ऊर्जा कैसे मिलती है ये डिपेंड होता है। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे जो ईशान कोण है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये जो ईशान कोण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोण है वास्तु में। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ईशान कोण में आप गलत चीज़ें करते हो तो यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी कम होती है। वास्तु में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी ईशान कोण में ही होती है। अगर ये पॉजिटिव एनर्जी कम हो जाती है तो आपको जो बाकी कुछ वास्तु दोष है उनका प्रभाव ज़्यादा होने लगता है आपके ऊपर। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में? दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें आपको नहीं रखनी है। अगर आप वो रखते हो तो आपको प्रॉब्लम्स होंगे या फिर जो पॉजिटिविटी है वास्तु की वो कम होगी। तो हम मुख्य दिशाएं उपदिशाएं ये सभी जानते हैं। ये जो बीच में है ये ब्रह्म स्थान है, ये भी हम जानते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मली जानते हैं कि यहाँ पर बच्चों का रूम बनाना है, लेकिन बच्चों का रूम जो है यहाँ पर आपको बेडरूम नहीं बनाना है बच्चों के लिए। आपको यहाँ पर बच्चों के लिए बनाना है स्टडी, सिर्फ स्टडी रूम यहाँ पर रहेगा नॉर्थ ईस्ट में। स्टडी रूम जरूरी है क्योंकि यहाँ की जो ऊर्जा है वो बच्चों को पढ़ाई में बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी, कंसंट्रेशन होने में, सभी चीज़ों में। तो इसलिए यहाँ पर आप बच्चों का स्टडी रूम बना सकते हो। स्टडी रूम के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप यहाँ पर मत बनाइए बच्चों का बेडरूम, क्योंकि बेडरूम की वजह से क्या होगा कि यहाँ की जो एनर्जी होती है वो आपको ज़्यादा देर, अगर आप इस कमरे में रहते हो नॉर्थ ईस्ट के, तो आपके ऊपर वो एक प्रभाव बनाती है, जिसकी वजह से अगर ये लड़की को आप देते हैं बेडरूम तो उस लड़की के मैरिज के लिए थोड़ा सा डिले हो सकता है। अगर आप ये देते हो लड़कों के लिए देते हो तो लड़कों का अगर करियर में उनके बाहर जाने के अपॉर्चुनिटीज़ है तो उसमें थोड़ी सी रुकावटें आ सकती है। इसलिए बच्चों के लिए मैं आगे बताऊंगा कि नॉर्थ वेस्ट क्यों देना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए हम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट देखेंगे। ईशान कोण ये आपको बच्चों के स्टडी के लिए देना है, ना कि बेड के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए वो है किचन। किचन अगर नॉर्थ ईस्ट में बनता है तो ये जो कोना है ये पानी का कोना है, पर पॉजिटिव एनर्जी होती है। पानी होने की वजह से अगर आप यहाँ पर अग्नि रखते हो तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप यहाँ पर किचन बनाओगे तो किचन आप रखोगे इधर, अगर यहाँ पर किचन रखा है आपने और आपको पॉसिबल है तो आप इसको शिफ्ट कीजिए उसकी प्रॉपर जगह यानी अग्नि कोण में। यहाँ पर किचन मत रखिए। अगर है तो मैंने मेरे दूसरे किचन के वीडियो में बताया है, फिर भी शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पर तीन जो कांस्य होता है, कांस्य की उल्टी कटोरी आपको यहाँ पर छत पे लगानी है और वो गैस के ऊपर नहीं आनी चाहिए। डिटेल में वो रेमेडी आप मेरे किचन के वीडियो में देख सकते हो जो कि मेरे चैनल पर वास्तु की प्लेलिस्ट में है। तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए जो बच्चों का बेड है वो और किचन, ये दो चीज़ें यहाँ पर मत बनाइए। बाद में बहुत बार ऐसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट हम सोचते हैं यार इसको हेवी वेट नहीं रखना है, इसको लाइट वेट रखना है, लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादा सामान नहीं है तो हम एज अ स्टोर रूम यूज़ करने लगते हैं, जो कि गलती से भी नहीं करना है। यहाँ पर स्टोर रूम कभी भी नहीं बनाना है। सबसे पहले बेड, किड्स बेड आपको यहाँ पर नहीं, बाद में किचन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बाद में है स्टोर रूम। स्टोर रूम अगर यहाँ पर बनाओगे तो ये धीरे धीरे सामान बढ़ता है, यहाँ पर सफाई नहीं रहती है। स्टोर रूम आपको यहाँ पर गलती से भी नहीं बनाना है, ध्यान में रखिए ईशान कोण में। इसके बाद में है
कंस्ट्रक्शन का हाइट है आपका, ये जो भी कमरा या जो पोर्शन रहेगा आपका, अगर इंडिविजुअल घर है तो घर में आपको यहाँ पर इस रूम के ऊपर जो भी है वो कंस्ट्रक्शन की हाइट नहीं बढ़ाना है इसके ऊपर, ये हाइटेड नहीं होना चाहिए। बाकी के जो रूम्स है उनसे ज़्यादा इसकी हाइट नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब जो आपका रूफ का लेवल है, रूफ के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आपको सेम रखना है सभी रूम में, ना कि आपके छत पे अगर आप जाओगे देखोगे किसी रूम का ऊपर है किसी रूम का नीचे है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपको सेम रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको जो है ग्राउंड लेवल, ये तो हो गया हाइट का, अभी जो ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल गलती से भी यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं रखना है। सबसे नीचा पोर्शन घर में अगर होना चाहिए तो वो है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईशान कोण। ईशान कोण का ग्राउंड लेवल कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर आपके करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये जो एनर्जी फ्लो है इसमें रुकावटें आती है, ये जो एनर्जी फ्लो होता है घर में उसमें रुकावटें आती है, अगर इधर हाइट ज़्यादा है तो, अगर इधर स्लोप है इधर हाइट है तो वो एनर्जी फ्लो प्रॉपर होता रहेगा जैसा उसका साइकिल होना चाहिए। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर जो चीज़ अवॉइड करना है, हाइट, ग्राउंड लेवल, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, ये आपको ध्यान में रखना है। नॉर्थ ईस्ट जो है यहाँ पर आपको, अगर आप यहाँ पर ड्राइंग रूम बनाते हो तो यहाँ पर एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन आएगा यहाँ पर आपको हेवी फर्नीचर नहीं रखना है, ये बात आप ध्यान में रखिए। आप अगर यहाँ पर समझो शोकेस बनाते हो, यहाँ पर या यहाँ पे आप सोफ़ा रखते हो या कुछ हेवी फर्नीचर आप यहाँ पर रखते हो या फिर आपका शू रैक यहाँ पर रखते हो, वो गंदा होता है, ये यहाँ पर नहीं रखना है। तो यहाँ पर कुछ भी हेवी चीज़ें नहीं रखना है इस कमरे में, जितना पॉसिबल है एग्जैक्टली इस कोन में ज़्यादा करके आपको इसको लाइट वेट रखना है। यहाँ पर कौन सी भी हेवी चीज़ें आपको गलती से भी नहीं रखना है, ध्यान में रखिए, ये कमरा हमेशा लाइट वेट होना चाहिए, यहाँ पर हेवी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया, यहाँ पर लाइट वेट चीज़ें होनी चाहिए। कुछ फोटोज़ लगाते हैं अगर ये ड्राइंग रूम है तो, यहाँ पर फोटोज़ आपको कभी भी हिंस्र प्राणी यानी कि जंगली जो जानवर है उनके स्कल्पचर या फिर कुछ फोटोज़ आप लगाते हो शोकेस के लिए तो आप ईशान कोण में मत लगाइए। इसको हम गॉड एनर्जी कहते हैं जो ईशान कोण है, यहाँ पर आपके कुल देवता का फोटो लगाइए। यहाँ पर किसी भी जानवर का फोटो या जंगल में के फोटो या युद्ध के फोटो यहाँ पर मत लगाइए इस कॉर्नर में स्पेशली, ध्यान में रखना है। फोटो यहाँ पर लगाओगे जो आपके कुल देवता है उनका, या फिर आप फोटो लगा सकते हो झरने का या पानी का ईशान कोण में, क्योंकि ये पानी का कोना है। इसके बाद में यहाँ पर नहीं होना चाहिए टॉयलेट, गलती से भी आप यहाँ पर टॉयलेट मत बनाइए। टॉयलेट अगर आप यहाँ पे बनाते हो उसका आपको बहुत बैड इफेक्ट मिलेगा, उसके बहुत जो वास्तु परिणाम है, वास्तु दोष के परिणाम है वो बहुत सीवियर है। जो कुछ मेजर वास्तु दोष होते हैं उनमें से एक है कि यहाँ पर टॉयलेट होना, यहाँ पर सेप्टिक टैंक होना, ये दो चीज़ें गलती से भी आपको यहाँ पर नहीं बनाना है। बाद में यहाँ पर आपको जो बनाना नहीं है वो है घर का जो मुख्य स्वामी है का कमरा, आपको यहाँ पर नहीं बनाना है। ये अगर आप घर का जो कमाने वाला है मुख्य स्वामी, मतलब घर का जो कमाने वाला व्यक्ति है उसका कमरा आप अगर यहाँ पे बनाते हो तो उनको स्टेबिलिटी नहीं आएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स या फिर कर्जे बढ़ना, ये सब चीज़ें चालू रहेगी। तो गलती से भी यहाँ पर घर का जो मुख्य स्वामी है उनका कमरा आपको नहीं बनाना है ईशान कोण में, ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने बताया है लड़की को भी ये कमरा मत दीजिए, घर के स्वामी को भी मत दीजिए और लड़के को भी, तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं करना है। मैं जस्ट एक बार रिपीट करता हूँ यहाँ पर क्या नहीं करना है, फिर देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर नहीं बनाना है चिल्ड्रंस बेड, किचन, स्टोर रूम, कंस्ट्रक्शन का हाइट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ग्राउंड लेवल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी रूम के कंपेयर में आप सेम रख सकते हो,
भी नहीं बनाना है, इस रूम को हेवी फर्नीचर यहाँ पर नहीं रखना है, यहाँ पर हिंस प्राणी या युद्ध के फोटो आपको नहीं लगाना है, ये जो कमरा है ये घर के स्वामी यानी कमाने वाले व्यक्ति को आपको नहीं देना है और लड़की लड़के को भी नहीं देना है, सिर्फ स्टडी रूम आप यूज कर सकते हो, ये ध्यान में रखिए। अभी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो जिससे आपको इस कमरे की पॉजिटिव एनर्जी आपको बहुत अच्छा फायदा देगी। सबसे पहले आपको ये कमरा क्लीन रखना है, हमेशा डेली आप यहाँ पर झाड़ू पोछा लगाइए, ये कमरा हमेशा क्लीन रखिए। पूरी वास्तु ही क्लीन रखना जरूरी है लेकिन ये कमरा क्लीन रखना बहुत जरूरी है, जो कि पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है और बाकी के वास्तु दोषों को जो निगेटिव है उनको कम करने का मदद करता है। तो आपको इसको साफ रखना है सबसे पहले। यहाँ पर आप बना सकते हो पूजा घर, ईशान कोण में पूजा घर बना सकते हो। अगर आपको पूजा घर के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम है, तो ईशान कोण में एटलीस्ट आप आपके कुल देवता का फोटो यहाँ पर लगाइए। हर रोज फोटो को साफ करके हल्दी कुमकुम लगाइए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर पूजा घर कीजिए अगर पॉसिबल है। दूसरा, जैसे मैंने बताया है, ये स्टडी रूम बच्चों का स्टडी रूम के लिए ये बहुत अच्छा दिशा है। यहाँ पर आप स्टडी रूम उनका स्टडी टेबल या तो पूर्व की तरफ मुख करके या उत्तर की तरफ मुख करके उनको बिठा सकते हैं स्टडी के लिए। ये जरूरी है इन दिशाओं में मुंह करके बैठना, क्योंकि जो उनको एनर्जी मिलेगी वो इन दिशाओं से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, सो दैट वो अपने स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आप यहाँ पर ड्राइंग रूम बना सकते हो, ड्राइंग रूम के लिए भी ये अच्छी जगह दिशा है। वास्तु एंट्रेंस आपका है प्रॉपरली, जैसा मैंने वास्तु एंट्रेंस के वीडियो में बताया है, तो आप यहाँ पर ड्राइंग रूम बना सकते हो। मैंने गेस्ट के ऊपर आप कैसे आपका इंप्रेशन जमा सकते हो उसका सेटिंग अरेंजमेंट भी मैंने एक वीडियो में दिया है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ड्राइंग रूम आप यहाँ पर बना सकते हो। उसके बाद में है जो ग्राउंड लेवल, जैसा मैंने बताया है सबसे डाउन इधर होना चाहिए। अगर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके घर में अगर आपने ग्राउंड लेवल ऊपर नीचे किया है किसी रूम का, तो ध्यान में रखना है सबसे नीचे जो है ईशान कोण का ग्राउंड लेवल आपको रखना है, ध्यान में रखिए। हाइट जो है वो सभी रूम का रूफ लेवल आप सेम रखिए, आप जब टेरेस पे जाओगे तो आपको एक ही रूफ मिलना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। और सबसे मेन बात, अगर आपको यहाँ पर बेडरूम बनाना ही है तो आप किसका बना सकते हो, तो वो है घर के जो सीनियर्स है, के माता पिता है, रिटायर्ड हुए हैं, जो अभी घर हैंडल नहीं करते हैं, उन लोगों का आप यहाँ पर बेडरूम बना सकते हो, उनको एज अ बेडरूम ईशान कोण आप दे सकते हो। ये जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहले क्लीनलीनेस रखना है, पूजा घर बना सकते हो, स्टडी रूम, ड्राइंग रूम, ग्राउंड लेवल नीचे रखना है, हाइट सेम रखना है, और जो घर के बड़े लोग हैं उनका बेड भी आप यहाँ पर बना सकते हो। दोस्तों, अगर ये चीज़ें आप यहाँ पर करते हो जो मैंने बताया है, तो आपको ज़रूर यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी का इम्पैक्ट मिलेगा, और जो मैंने बताया है कि नहीं करना है वो चीज़ें आपके घर में है तो आप उनको तुरंत करेक्ट कर लीजिए ताकि आपको उससे कुछ नुकसान ना हो। दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं ईशान कोण के बारे में, ऐसे ही मैं हर एक दिशा का बताऊँगा अगले वीडियोज़ में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल में जो वास्तु का प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर एक बार विजिट दीजिएगा, उसमें आपको आपके काम की बहुत सारी चीज़ें मिलेगी।